सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली आरपी 9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि इंपोर्ट की ट्रीटमेंट जीएसटी के अंदर किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, क्या लो होगा जीएसटी के अंदर। मैंने लास्ट बताया था आपको एक्सपोर्ट के बारे में कि एक्सपोर्ट जीएसटी के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी। अब मैं इसका अगला पार्ट बता रहा हूँ, इम्पोर्ट अंडर जीएसटी। तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे आज ये जानेंगे हम। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर जीएसटी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू इंटीग्रेट टैक्स इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। देखो, इंपोर्ट के अंदर जीएसटी को इंटर स्टेट सप्लाई में ट्रीट किया गया है और कस्टम ड्यूटी के साथ जीएसटी लगेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। इंपोर्ट ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A के हिसाब से इंपोर्ट को ट्रीटेड किया जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 269 के हिसाब से। देखो, इंपोर्ट के अंदर गुड्स है और सर्विसेज है। गुड्स और सर्विसेज के अंदर इंपोर्ट मतलब डेफिनेशन क्या है इंपोर्ट की, तो गुड्स के व्यू में देखें हम तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट 2017 डिफाइन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। जब एक इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर गुड्स को लाया जाएगा तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 IGST एक्ट 2017 का ये बोलता है कि वो इंपोर्ट कहलाएगा। ऐसे ही सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 ऑफ द IGST एक्ट डिफाइंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रिसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कब कहलाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, जब सप्लायर जो है इंडिया के आउटसाइड लोकेटेड हो और रिसिपिएंट इंडिया के अंदर हो और जो प्लेस ऑफ सर्विस है वो इंडिया में हो, तब वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। फिर लेवी की बात करें हम तो क्या है, मतलब लेवी का मतलब है यहाँ पे कर लगाना। IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वुड बी लेवी अंडर द IGST एक्ट। IGST को सर्विसेज के अंदर GST IGST एक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा, ठीक है। लेवी ऑफ IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स वुड बी लेवीड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 GST ऑन इंपोर्ट। IGST जो है गुड्स के अंदर वो कस्टम एक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा, मतलब सर्विसेज में GST के हिसाब से लगाया जाएगा IGST एक्ट के हिसाब से, और गुड्स के अंदर IGST जो है वो कस्टम एक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा 1962। फिर उसके बाद बात करूं तो गुड्स के ऊपर किस तरीके से लगाया जाएगा, तो पहला पॉइंट गुड्स का है, गुड्स के ऊपर किस तरीके से GST लगाएंगे। देखो, एसेसेबल वैल्यू 100 रुपीज है यहाँ पे और कस्टम ड्यूटी 10% है, तो इसका 10% 10 रुपये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद IGST जो लगेगा इन दोनों की वैल्यू को जोड़ के उसके ऊपर 18% लगेगा, मतलब 19 रुपये 80 पैसे। तो ये जो है तुम्हारा ये IGST है, मतलब एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर 18% लगाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अट्रैक्ट GST अंडर रिवर्स चार्जेस बेसिस। देखो, यहाँ पे जो सर्विसेज जो है अट्रैक्ट करेगा GST रिवर्स चार्जेस बेस, मतलब अगर सर्विसेज के ऊपर GST लगेगा वो रिवर्स चार्जेस के हिसाब से लगेगा और आपको GST जमा कराना होगा रिवर्स चार्जेस बेसिस के हिसाब से, ठीक। और अगर आप GST में रिवर्स चार्जेस बेस पर GST जमा कराना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप रिवर्स चार्जेस पर GST जमा नहीं करा पाएंगे। तो सर्विसेज के अंदर आपको मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। फिर OIDAR की बात करूँ मैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिवर्टल सर्विसेज। OIDAR सर्विसेज अट्रैक्ट GST, पर्सन प्रोवाइडिंग OIDAR सर्विसेज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्ट्रेशन अंडर GST। जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिवर्टल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में आपको GST का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा लेना, ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर आप समझ गए, सर्विसेज के अंदर GST जमा कराना पड़ेगा रिवर्स चार्जेस के हिसाब से, जो इंपोर्टर है उनको अवेयर रहना पड़ेगा GST रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर उनको
जीएसटी रिवर्स सेल्स पे जमा कराना पड़ेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। फिर उसके बाद है अगला SEZ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और SEZ यूनिट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटरस्टेट सप्लाई एंड विल बी सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ IGST। देखो, अगर आप सप्लाई गुड्स और सर्विसेज SEZ के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टैक्स है, तो वहाँ पे जो टैक्स है वो इंटरस्टेट सप्लाई यानी IGST के एक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा, IGST के हिसाब से लगेगा। और इस जगह पे सप्लाई जो है वो आपकी ट्रीट की जाएगी इंटरस्टेट सप्लाई में, इसलिए यहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करूँ मैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST पेड ऑन इम्पोर्ट शैल बी अवेलेबल एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपने इम्पोर्ट के ऊपर IGST पे किया है, चाहे रिवर्स चार्जेस पे किया हो, सर्विसेज के अंदर किया हो, या आपने गुड्स परचेज किया तो किया है, तो दोनों ही केस में आपको IGST का इनपुट मिल जाएगा। लेकिन द बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल नॉट बी अवेलेबल एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, मतलब जब आप SSL वैल्यू के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगा रहे थे, उनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपकी एक्सपेंस में, आपकी परचेज की कॉस्ट में काउंट होगा। सो इम्पोर्ट की बात करूँ मैं, तो इम्पोर्ट के अंदर GST लगेगा गुड्स के ऊपर भी और सर्विसेज के ऊपर भी। गुड्स के ऊपर GST लगेगा SSL वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी, उसके बाद लगेगा उसके ऊपर GST, और सर्विसेज के ऊपर जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं SSL वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट लगेगा, और जितनी भी GST होगी आपको रिवर्स चार्जेस के हिसाब से जमा कराना पड़ेगा। इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा आपको IGST का, कस्टम ड्यूटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, मन में कुछ क्वेश्चन हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्तों इम्पोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं, इम्पोर्ट में किस तरह से ट्रीटमेंट होगी GST के अंदर, इस वीडियो को लोगों को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।